मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर पंचायत के दौलतपुर गांव में नदी में मछली पकड़ने गए मुन्ना खां का पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई। डूबने के घंटों बीत जाने के बाद जब कोई अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा, तो स्थानीय लोगों ने आरा बढ़ारा मुख्य मार्ग पर आगजनी कर स्थानीय विधायक अनवर आलम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह इस घटना में डूबे युवक को शव स्थानीय गोताखोर और प्रशासन के लोगों ढूंढने में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय, नेता मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन हाय हाय, अनवर नेता मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन हाय हाय, अनवर नेता मुर्दाबाद, 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 हाय हाय, अनवर नेता मुर्दाबाद, 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 अनवर नेता मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन हाय हाय। हमारे गांव का एक लड़का जो है नदी में डूब गया है। डूबने के कारण जिसे हम लोग को पता चला कि बगल गांव के एक लेडीज जिसे बताई कि आप लोग के गांव का बच्चा डूब गया है, तो लड़का लोग गया दौड़ के, तो चप्पल वहां पे था। जब हम फोटो खींच के लाया तो उस चप्पल से आप लोग को पता चला घर के कि हमारा लड़का है, और जिस कलर का वो लोग कपड़ा बताया वही कलर का पहने हुआ था। यहाँ तक कि वहाँ के उस गाँव के जो है ज्ञानपुर के वो लोग खोजे एक डेढ़ घंटा तक, लाश नहीं मिला। फिर प्लस में हमारे गांव के जो है दौलतपुर और चितरसेनपुर इधर का लड़का जो हम सब कोई जाके वहां पे 10-15 लड़का जाके वहां पे डूबी मार के देखा लोग, 2 घंटा तक नहीं मिला। उसके बाद हम लोग झग्गर उग्गर सब डाले, प्रशासन को डीएम अधिकारी सबको कॉल किया गया, कोई हम लोग को अभी तक ही नहीं मिला। अभी समझ लिए प्रशासन आए हैं, बताइए कुछ नहीं किया, यहीं पर इसका घर है, ये तब कुछ नहीं किया, इसी के कारण से रोड जाम हुआ है। बताइए अगर ऐसा कांड होते रहेगा, कोई हम लोग को नहीं हेल्प करेगा तो बताइए कैसा होगा। एक हमारे ऊपर नहीं ना, सारे जनता है, हमारे गाँव के नागरिक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बबलू। कहाँ घर हुआ? यही घर है चितर। हो गए युवक डूबा हुआ है, अभी तक क्या क्या किया है? सुबह में जावेद उर्फ मुन्ना चितरसेनपुर का रहने वाला है, वो लड़का यहाँ डूब गया है। तो सुबह से स्थानीय स्तर पर जो गोताखोर हैं उनको भी लगाया गया। अभी वर्तमान समय में महाजाल लगाया गया है और NDRF को सूचना दी गई है, NDRF भी आ रही है, वो आने के बाद उनके द्वारा भी अभियान चलाया जाएगा, खोजने का प्रयास जारी है। काफ़ी समय बीत गया सर, लोगों में ऐसा आक्रोश व्याप्त है कि बहुत समय बाद यहाँ पर लोग पहुँचे। थोड़ा समय तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि रोड जाम कर दिए थे लोग, तो उसमें कुछ अनावश्यक विलंब हो गई, लेकिन फिर भी रोड जाम के बाद भी हम पहुँचे, वही कारण था कि थोड़ा विलंब हुआ। अभी क्या स्थिति लगता है? अभी तो महाजाल डाला हुआ है, प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हो जाए, मिल जाए बच्चा। Thank you.